हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट हमारी कौन कौन सी होती हैं, ये जानने के पहले हम ये जानें कि मेमोरी यूनिट क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें टाइम का मेजरमेंट करना है, अगर हमें समय मापना है, तो उसके लिए सेकेंड है, मिनट है, घंटे होते हैं। उसी तरीके अगर हमें लंबाई को मेज़रमेंट करना है, लेंथ का मेज़रमेंट करना है, तो उसके लिए इंच है, सेंटीमीटर है, मीटर है। उसी तरह अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो मेमोरी की स्टोरेज क्षमता मापने के लिए हमारे पास मेमोरी यूनिट होते हैं। तो हमारी मेमोरी यूनिट कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिट की। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसमें केवल दो नंबर आते हैं, 0 और 1, जो कि बाइनरी डिजिट होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मशीनरी लैंग्वेज पे काम करता है। जिस मशीनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, वही बाइनरी डिजिट हमारे होते हैं, 0 1। 0 और 1 मीन्स 0 मीन्स होता है ऑफ और 1 मीन्स होता है ऑन। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सिस्टम जो कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर पे वर्क करता है। अब जो हमारा ट्रांजिस्टर्स होता है वो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, इसीलिए इसमें बाइनरी डिजिट हमारी 2 आती है, 0 और 1। और ये कंप्यूटर की बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। अब बिट की बात अगर हम बात करते हैं, तो निबल आता है, निबल। 1 निबल में हमारे होते हैं 4 बिट और 1 बाइट में हमारे होते हैं 8 बिट्स। आपको ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही पता होना चाहिए कि जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, वो हमेशा बाइट के फॉर्मेट में स्टोर होता है, क्योंकि बिट में तो केवल 2 डिजिट हमारी आती हैं, 0 1, जो कि आपको पता है कि आप सिस्टम पे कुछ भी स्टोर करते हो, सेव करते हो, चाहे वो लेटर हो, कोई भी म्यूज़िक हो, कोई भी सॉन्ग हो, तो उसके लिए आपको पता है कितनी बिट यूज़ हो जाती हैं। तो बिट से तो हमारा काम नहीं चल सकता है, इसलिए कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर होता है वो बाइट के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि हमारा सिस्टम किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, तो वो हमेशा बाइट के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। 1 बाइट में हमारे होते हैं 8 बिट, 1 KB में, जिसे हम किलोबाइट्स बोलते हैं, होते हैं 1024 बाइट्स होते हैं, और 1 MB में होता है 1024 KB होते हैं, 1 GB की अगर गीगाबाइट की बात करें तो 1024 MB होते हैं, 1 TB में, जिसे हम टेराबाइट भी बोलते हैं, 1024 GB होते हैं, 1 PB पेटाबाइट बोलते हैं जिसे, 1024 TB होते हैं, 1 EB जिसे एक्साबाइट बोलते हैं उसमें 1024 PB होते हैं, और 1 ZB जिसे जेटाबाइट बोलते हैं उसमें 1024 EB होते हैं, और 1 YB योटाबाइट में होते हैं 1024 ZB। अगर कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट की बात होती है तो वो हमारी होती है बिट, और सबसे बड़ी यूनिट की बात होती है तो वो होती है YB, मतलब योटाबाइट। सो, आज की वीडियो में हमने सीखा मेमोरी यूनिट। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।